हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। तो भाई, आज सीन कुछ ऐसा हो गया कि जो आप देख रहे हैं, मैं अपनी नेक्सॉन चला रहा हूं और मेरी नेक्सॉन में एक छोटा सा इशू आ रहा था 3-4 दिन से, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मिसिंग से रिलेटेड है। थोड़ी गाड़ी मिसिंग कर रही थी, तो मैंने एक आध बार तो अवॉइड किया कि हो सकता है कि मुझे गलती लग रही हो, बट ये जब रिपीटेडली इशू आने लगा तो मैंने टाटा मोटर्स में कॉल किया और उनको बताया कि मुझे मेरी गाड़ी में कुछ मिसिंग या वाइब्रेशन आप कह सकते हैं इशू आ रहा है। चलती गाड़ी में इतना फील नहीं होता है, लेकिन जब आप एक जगह खड़े रहते हैं या खड़ी गाड़ी में, आपको रुक रुक के हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है, मिसिंग फील होती है बेसिकली। तो मैंने जब टाटा मोटर्स, एक सर्विस सेंटर है घर के पास जहाँ पे, उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें अपनी लोकेशन बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, हम आपको घर आके चेक कर लेंगे एक बार गाड़ी को। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी टाटा मोटर्स की, कि घर पे भी असिस्टेंस मिल जाता है अगर आपको नई कार में या आपकी कार में किसी भी चीज़ से रिलेटेड इशू आता है तो। क्योंकि जनरली हम लोग सर्विस के बारे में टाटा की काफ़ी बात करते हैं। तो वो 1 घंटे में वो मेरे घर आ गए और उन्होंने चेक किया। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसकी एक इग्निशन कॉयल होती है, या इग्निटर भी बोलते हैं वो लोग, तीन होती हैं बेसिकली, जब आप जो प्रोवाइड करती हैं फ्यूल या जो भी आप कह सकते हैं इंजन को, पावर इंजन को, तो वो उसमें से एक जो है वो ख़राब है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और उसका कोई रीज़न नहीं है ख़राब होने का, वो वैसे भी किसी भी रीज़न से ख़राब हो सकता है। तो क्योंकि प्रॉपर इग्निशन नहीं मिल रहा है इंजन को, तो वो रुक रुक के वाइब्रेशन दे रहा है या मिसिंग दे रहा है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये मुझे बता दीजिए, अगर आपके सर्विस सेंटर में वो पार्ट अवेलेबल है तो मैं उसको कल ही लेके आ जाता हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि पार्ट तो अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये आपके वारंटी में कवर हो जाएगा। ये उन्होंने अपने सर्विस सेंटर में वापस कॉल करके कंफर्म किया कि ये पार्ट आपको वारंटी में कवर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन इशू ये है कि उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन का टाइम बताया कि ये पार्ट जो है आपको 3 से 4 दिन में या 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो पाएगा, बिकॉज़ ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये कार मैंने जहाँ से ली है, मैंने फिर वहाँ पे एक बार कॉल किया, तो मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम वापस डिस्कस की, तो उन्होंने बताया कि आपको सर्विस सेंटर आप ले आइए एक बार, हम लोग देख लेते हैं, और जो आप पार्ट बता रहे हैं वो पार्ट भी उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास स्टोर में अवेलेबल है। बट एक चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये कि हम जैसे आपने किसी और सर्विस सेंटर से या टाटा के ही ऑथराइज सर्विस सेंटर से किसी और को बुलाया है और उन्होंने डायग्नोज किया है इशू, हम उनके डायग्नोसिस पे नहीं जाएंगे, हम अपने डायग्नोज खुद करेंगे और तब अगर हमें सेम प्रॉब्लम मिलती है तो हम उस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिए, आप अपना डायग्नोसिस कीजिए, आपको जो इशू लगता है, मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, बट द मेन थिंग इज़ कि मैं काफ़ी दूर से आपके पास गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो आप अगर वही सेम प्रॉब्लम है और आपके पास पार्ट भी अवेलेबल है तो प्लीज़ ऑन द सेम डे आप उस चीज़ को रिप्लेस कर दीजिएगा, मुझे बार बार चक्कर ना लगे। देन ही रिप्लाइड कि ठीक है सर, आप आ जाइए डायग्नोज करके, अगर वही सेम प्रॉब्लम निकलती है तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर में जहाँ से ये कार ली थी। स्पर्श टाटा में कॉल किया तो उन्होंने इंजीनियर घर भेजा, उन्होंने आके इंजन चेक किया, उन्होंने बताया कि इग्निशन कॉइल या इग्निटर जो होता है वो आपका एक ख़राब हो रहा है। अच्छा। तो वो आप पार्ट जो है, मैंने फिर यहाँ कॉल किया, इन्होंने बोला पार्ट अवेलेबल है, आप आ जाओ, हम अपना डायग्नोज करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, वो आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, ये ज़्यादातर सिटी मोड पर चलती है, लेकिन बीच में उस दिन मैंने स्पोर्ट्स मोड में चलाई 15 मिनट और ये उसके बाद से आ रही है दिक्कत। आवाज़ आ रही है ये भैया इस साइड में ना, जब इंजन ऑन, जैसे एसी ऑन करो ना, तो एक अलग सी आवाज़ इधर से आती फील होती थी।
तो इसे ये इशू क्या था भैया, पहले वैसे ठीक से बताओ थोड़ा। पलक का गैप कम था, हाँ, जिसके कारण मिसिंग हो रही थी। तो ये अब ये दिक्कत, अब ये कह रहे हैं कि इशू जब प्लांट में लगा होगा तभी से ढीला होगा, ऐसा नहीं होता ना? ये तो मुझे तो पता नहीं चलता क्या, ये तो मुझे दो तीन दिन से ही ज़्यादा इशू आ रहा है। तो ये अपने आप ही हो गया? पहले कम होगा ना, तो अब बढ़ गया होगा। हाँ। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या निकाला आपने, क्या ठीक किया इसमें? अभी हमने इसमें लैपटॉप लगाया और प्लग साफ करके और उसका गैप जो होता है ना 1 mm का 8 mm का गैप होता है, अच्छा, वो गैप सेट करके लगा, वो गैप सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की जो सुबह प्रॉब्लम आ रही थी, हम लोग ने सर्विस सेंटर में दिखाया और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि क्या हुआ। जैसे कि आप बीच बीच में शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंजीनियर, जो सर्विस इंजीनियर थे, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को ठीक से समझा। और जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको, जो पहले आपको बताया कि हमें इग्निशन कॉइल या इग्निटर का इशू लग रहा था, जो हमें बताया गया था, जो घर पे इंजीनियर आए थे उन्होंने बताया था, तो वो इशू नहीं था। इन्होंने अपना डायग्नोसिस किया प्रॉपरली। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने लैपटॉप वगैरह कनेक्ट किया, जो बेसिकली हर तरीके के सेंसर्स को जज करते हैं और बताते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या इशू है। और ये शॉट में आप ये देख रहे हो कि मेरे मीटर में भी, जो हमारा जो ओडोमीटर है, बेसिकली जो MID है, MID में एक लाइट ऑन हो गई थी जो इंजन से रिलेटेड थी। तो ये मैं पहले बताना भूल गया था। अभी जो आप शॉट देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि लाइट ऑन है, तो वो लाइट बताती है कि किसी तरीके का कोई इंजन में इंजन रिलेटेड इशू आपकी कार में आ रहा है। तो उन्होंने अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट किया और सारी चीज़ें देखी ठीक से, और उन्होंने ये डायग्नोस किया कि इग्निशन कॉइल या इग्निटर का इशू नहीं है, ये स्पार्क प्लग का इशू है। स्पार्क प्लग में कुछ गैप होता है जो कम हो गया है, बेसिकली 4 mm या 8 mm का कुछ डिस्टेंस होता है, गैप होना चाहिए, जो कम हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही है। अभी मैं जस्ट सर्विस सेंटर से निकला हूँ और अभी मैं फील कर पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी वैसा कुछ मिसिंग नहीं कर रही है गाड़ी, तो इसका मतलब जो इन्होंने डायग्नोस किया है वो कहीं हद तक ठीक है। बाकी तो अब हम गाड़ी चलाएंगे, 2-4 दिन में पता चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि नहीं। बट यहाँ मैं कंक्लूड करते हुए ये बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स का मुझे ऑल टुगेदर जो सर्विस है वो काफ़ी ठीक लगी। आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन आप जानते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी कार्स जो हैं वो सर्विस में आती हैं, क्योंकि जनरली लोग सैटरडे संडे सर्विस करवाते हैं। तो इतनी सारी कार्स आने के बावजूद भी इन्होंने हमें अराउंड 2 घंटे के अंदर अंदर फ्री कर दिया। जानकि काम जो था वो 10 से 15-20 मिनट का ही था, बट ठीक है, प्रोसेस में भी टाइम लगता है। पहले जॉब कार्ड ओपन होता है, सर्विस इंजीनियर असाइन होता है, फिर वो देखते हैं, फिर वो मैकेनिक को बुलाते हैं, फिर मैकेनिक ने देखा, उसके बाद हम लोग एक छोटी सी राइड पे भी गए जो आप देख रहे हैं। तो एक ऑल टुगेदर 2 घंटे के टोटल टाइम में उन्होंने हमें फ्री कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई करता है, चाहे वो काम छोटा सा ही था लेकिन फिर भी, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। तो टाटा मोटर्स की सर्विस को थम्स अप है, अच्छी सर्विस लगी मुझे। सबसे पहली चीज़ जो कॉल किया था, घर पे इंजीनियर भेजा गया, डायग्नोस उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया नहीं किया, वो बात की बात है। बिकॉज उन्होंने भी अल्टीमेटली यही बोला था कि आप सर्विस सेंटर में आइए, वहाँ पर एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी, लैपटॉप से कनेक्ट होगा। बट अभी मुझे ये इशू लग रहा है कि सर इग्निशन कॉइल या इग्निटर का इशू है। बट डेफिनेटली अगर हम वहाँ पर भी जाते तो हो सकता है वो भी यही कहते कि नहीं सर, आपका ये प्रॉब्लम नहीं है सर, स्पार्क प्लग का इशू है और रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ऑल टुगेदर सर्विस से काफ़ी सेटिस्फैक्शन है। जो लोग बात करते हैं टाटा की सर्विस से रिलेटेड कि टाटा की सर्विस में इशू है या सर्विस में उनको वो चीज़ नहीं आती है, तो मेरे को अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है। मैं पूरी तरह से अभी तक, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की मैं बात करूं तो मैं टाटा को यहाँ पे फुल मार्क्स दूंगा कि सर्विस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है अब, कि वो कस्टमर की सुनते भी हैं और डायग्नोस करके प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं निकला, ये अच्छी बात है। नई गाड़ी है, 6 महीने हुए हैं सिर्फ, और जो छोटा मोटा इशू था वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।